जय माता दी आप सभी को, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्त अभी हम हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा में, और पीछे आपको दिख रहा होगा राम मंदिर, तो और बगल में ही है शिव गुफा। तो आज जो ब्लॉग होगा वो माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी ब्लॉग रहेगा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, और वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी माता वैष्णो देवी यात्रा से, तो संपूर्ण आपको जानकारी मिलेगी। तो वीडियो पसंद आता वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय माता दी। तो जी देख सकते हैं ये दुर्गा भवन है। तो दुर्गा भवन के पास आप फ्री में आप डोमेट्री ले सकते हैं, और यहाँ पे फ्री में कंबल मिलता है। तो रात में यही आराम किए थे। तो देख सकते हैं अभी भी लोग यहाँ पे हैं। तो भीड़ यहाँ पे हर हमेशा रहती है, क्योंकि मतलब रुकने का जो साधन है वो मुख्य रूप से यही है, और बगल में तृप्ति भोजनालय है, तो यहाँ आप खाना वगैरह भी खा सकते हैं। ये देख सकते हैं तो साफ सफाई है, और यहाँ देखिए अटका आरती डोनेशन काउंटर भी है, और हेलीकॉप्टर टिकट दोनों अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पे, देख सकते हैं पूछताछ। और देखिए यहाँ पे वर्चुअल दर्शन भी होते हैं। तो हालांकि ये अभी सुबह सुबह काउंटर लगाया नहीं है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं माता रानी के वर्चुअल दर्शन कीजिए प्राचीन गुफा के द्वार मात्र 101 रुपये में, जो आँख में लगा के होता है ना वो। तो आपको अगर वर्चुअल दर्शन करना है तो आप वर्चुअल दर्शन भी 101 रुपया दे के कर सकते हैं। तो देख सकते हैं सुबह सुबह आरती खत्म हो चुकी है, तो दर्शन चालू हो गए हैं। और दुर्गा भवन में एक और नया अपडेट है, और जो होता है ना मोबाइल और स्मार्ट वॉच, तो उसको रखने के लिए देखिए नया ये बनाया गया लॉकर्स। देखिए दुर्गा भवन लॉकर्स फॉर मोबाइल फोन स्मार्ट वॉच सेफ सिक्योर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आप आते हैं तो आप इसमें रख सकते हैं। तो चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और आपको जानकारी देते हैं। जय माता दी। तो जी यहीं पे देखिए बाथिंग घाट है, तो लेडीज बाथिंग घाट और जेंट्स बाथिंग घाट दोनों एक ही जगह है दुर्गा भवन के अंदर। तो अगर आप आते हैं तो आप यहीं पे स्नान वगैरह करके और फिर माता रानी के दर्शन के लिए जाएंगे। तो चलिए धीरे धीरे चलते हैं लॉकर्स की तरफ। लॉकर्स में सामान वगैरह रखेंगे, और मोबाइल्स का लॉकर तो मैंने आपको बता दिया, तो अगर मोबाइल वगैरह रखते हैं तो आप उसमें रख सकते हैं, और जो बैग वगैरह है वो उसके लिए दूसरा लॉकर है। तो उसके लिए एक लॉकर मनोकामना फेस वन में है, मनोकामना फेस वन में, और एक मनोकामना फेस टू में है, सॉरी। तो जी दर्शन अभी चालू कर दिए गए हैं, तो देख सकते हैं लोग आवागमन कर रहे हैं। तो चलते हैं, हम लोग भी लाइन में लगेंगे, और उसके बाद दर्शन करने के बाद मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो जो रोपवे का टिकट काउंटर बनाया गया है वो मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि जब आप आए तो आपको टिकट लेने में किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं हो। तो बे टू करेंट रोपवे टिकट काउंटर आपको दिख रहा होगा, ये देख सकते हैं। तो ये जो लाइन लगी है, सॉरी आप वहाँ तक के यहाँ लाइन देखिए, ये जो लाइन आपको दिख रही है ये करेंट रोपवे टिकट काउंटर की है। तो फिलहाल दुर्गा भवन में आपको टिकट मिल जाएगी, तो प्रति व्यक्ति 100 रुपया है, तो ठीक है। अब लॉकर्स में चलते हैं। तो जी जैसे ही आप पूछताछ काउंटर के आगे आएंगे तो यहीं पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा लॉकर रूम, देख सकते हैं लॉकर नंबर 2 और 3। तो यहाँ पे भीड़ है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, देखिए लॉकर नंबर 2 और 3 दोनों लॉकर यहीं पे। तो चलते हैं लॉकर के अंदर, और लॉकर में सामान रख के फिर माता रानी का दर्शन करने के लिए निकलते हैं। तो धीरे धीरे लॉकर के अंदर चलते हैं, एक मिनट साइड प्लीज। तो ये देख सकते हैं तो लॉकर में भी लाइन लगा हुआ है यार, हेलो लॉकर में भी लाइन लगा हुआ है, अरे लॉकर रूम में ही है, चलो। तो देख सकते हैं लॉकर में भी काफी लंबी लाइन है, तो इसमें भी लगता है इंतजार करना पड़ेगा, ये देख सकते हैं। तो चलिए लाइन में लग जाते हैं, और उसके बाद फिर लॉकर में सामान रखते हैं। जय माता दी। अरे भाई ऐसा 5-5 घंटा लाइन में लगना पड़ता है लॉकर के लिए। तो जी देखिए मोबाइल स्मार्ट वॉच लेदर आइटम्स आर नॉट अलाउड इनसाइड द केव, ये सब चीज आप गुफा के अंदर ही रख के प्रवेश करेंगे। तो चलिए लाइन धीरे धीरे बढ़ रही है, तो चलते हैं लॉकर के अंदर। जो लॉकर है ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको, इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगी, ठीक है।
तो जी अब दर्शन के लिए भीड़ काफ़ी कम हो चुकी है, तो अब धीरे धीरे हम लोग भैरव घाटी के तरफ जा रहे हैं। और चलिए भैरव घाटी का हम आपको नज़ारा दिखाते हुए चलेंगे, और कैसे जाना है उसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देते चलूँगा। जय माता दी। जी बेटू कटरा और भैरव जी मंदिर, तो हम लोग चलेंगे भैरव जी मंदिर की ओर। तो ये सामने का रोड है, तो चलिए ज़्यादा दूर नहीं है, भैरव जी मंदिर मात्र भवन से 2.5 किलोमीटर दूर है, तो ज़्यादा नहीं, चढ़ाई थोड़ा मतलब खड़ा है, तो इसमें करीब 1 से 1.5 घंटा का टाइम लग जाएगा, तो 1 से 1.5 घंटा चढ़ाई करते हैं। तो रोपवे भी ले सकते हैं, लेकिन बारिश हो रही है तो सोचा लाइन भी ज़्यादा बड़ा है, तो सोचे पैदल ही चलते हैं और आप सबको दिखाते भी चलते हैं और जानकारी भी देते चलते हैं। तो देख सकते हैं दुकान इधर, तो भैरव घाटी जाते वक्त आपको बहुत सारे दुकानें मिलेगी और खाने पीने की चीज़ प्रसाद वगैरह जो भी आप लेना चाहेंगे सारे चीज़ मिल जाएगी आपको। और भैरव घाटी के तरफ भी लॉकर है एक, तो लॉकर का भी हम आपको दृश्य दिखा देते हैं, ताकि अगर आप लॉकर नंबर 2-3 में अगर आपको जगह नहीं मिलती है तो भैरव घाटी मार्ग में भी एक लॉकर है। ये देखिए हम लॉकर के पास पहुंच चुके हैं, हालांकि भैरव घाटी चढ़ाई करते वक्त थोड़ा सांस वगैरह फूलते रहती है, तो ये देखिए लॉकर, तो यही लॉकर है आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे भी आप सामान वगैरह जमा करा के और माता रानी के दर्शन करने जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए धीरे धीरे चलते हैं भैरव घाटी। जय माता दी, जय बाबा भैरवनाथ। तो जी आप देख सकते हैं भैरव घाटी मंदिर मात्र 2 किलोमीटर है, तो ऐसे भी चढ़ाई कर सकते हैं बाय रोड, या अगर आपको जाना है सीढ़ियों से तो सीढ़ियों से ऐसे जाना पड़ेगा, तो हम तो जाएंगे सीढ़ी से क्योंकि माता वैष्णो देवी का जो भवन है यहाँ से काफ़ी खूबसूरत दिखता है। तो चलिए हम आप सभी को बाबा भैरवनाथ के सीढ़ी वाले रास्तों से माता वैष्णो देवी के भवन का देखिए दर्शन करवाते हैं, और थोड़ा ऊपर चलते हैं तो और भी अच्छा व्यू जाता, तो अगर आप लोग भी आते हैं तो यही सीढ़ी वाले रास्ते से, ज़्यादा नहीं 1-2 सीढ़ी चढ़ेंगे, और यहाँ से देखिए वाह देख सकते हैं आप कि व्यूज कितना काफ़ी मस्त एवं खूबसूरत आ रहा, लग रहा है जैसे कि हम स्वर्ग में आ चुके हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ से आपको रोपवे भी मिल जाएगा देखने के लिए, तो काफ़ी अच्छा व्यूज आता है, तो अगर आप लोग भी आते हैं तो यहाँ ज़रूर आए। जय माता दी। फाइनली लीजिए ये सीढ़ियों की संख्या 351 है, तो हृदय रोगी एवं वृद्ध यात्री से अनुरोध है कि सीढ़ी का प्रयोग नहीं करें, तो सीढ़ी से चलने में सांस थोड़ा ज़्यादा फूलती है, तो अगर आप वृद्ध या आदमी के साथ आते हैं तो सीढ़ी का प्रयोग नहीं करेंगे, वो जो मेन रास्ता है उसी से आप जा सकते हैं। अंकित, तो फाइनली जी हम पहुंचने वाले हैं बाबा भैरवनाथ के पास। ये देखिए बेटू रोपवे स्टेशन है, तो रोपवे से आप आएंगे तो इसी जगह उतरेंगे, तो देखिए बस 10 सीढ़ी और रह गया तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं, तो चलिए मंदिर का दृश्य हम आपको दिखाते हैं। जय माता दी। तो जी देख सकते हैं यहाँ से आप प्रसाद वगैरह सब ले सकते हैं भैरवनाथ, तो आरती एक मिनट, तो फाइनली जी ये देख सकते हैं श्री भैरव लंगर, तो दर्शन करके आते हैं फिर भैरव लंगर में खाना खाते हैं, तो मंदिर देख सकते हैं इधर, तो भीड़ ज़्यादा तो नहीं है, तो चलिए दर्शन करते हैं थोड़ा जल्दी क्योंकि भूख काफ़ी तेज लग गई है ना, ये देख सकते हैं, तो दर्शन के लिए लाइन में लग जाते हैं जल्दी, तो यहाँ दर्शन काफ़ी फास्ट हो जाते हैं। ये देख सकते हैं आप मंदिर मैंने आपको दिखा दिया, और फिर चलेंगे आपको सेल्फी पॉइंट जिसको बोला जाता है वहाँ भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है, तो पहले दर्शन करते हैं उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। जय माता दी, जय बाबा भैरवनाथ।
देखिए जी, ये प्रवेश द्वार एंट्री गेट है भैरवनाथ का। तो देखिए लाइन में लग चुके हैं सारे लोग, तो हम भी चलते हैं लाइन में लगेंगे। और मंदिर के अंदर कैमरा वगैरह अलाउ नहीं है, तो हम अंदर का दृश्य हम आपको दिखा नहीं पाएंगे। जय बाबा भैरवनाथ, जय माता वैष्णो देवी। देख सकते हैं धीरे धीरे लाइन में बढ़ते जा रहे हैं, तो भीड़ ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 10 मिनट लगेगा दर्शन हो जाए। तो दर्शन करने के बाद चलेंगे लंगर में, खाना वाना खाएंगे। धूप काफ़ी जोर से लग चुकी है, ये देख सकते हैं आपको नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ चारों तरफ का। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। जय माता दी, जय बाबा भैरवनाथ। तो जी श्री भैरव लंगर का लाइन है, तो इसी लाइन में हम लग चुके हैं। तो खाते हैं लंगर और उसके बाद फिर चलते हैं। जय माता दी। ये जी जिस श्री भैरव लंगर है, तो लाइन देखिए, भीड़ यहाँ पे अत्यधिक ही रहती है हर हमेशा। तो फाइनली जी हमने खाना वगैरह खा लिया, तो अब मैं आपको देखिए यहाँ जो सेल्फी पॉइंट होते हैं वहाँ का व्यू दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे भीड़ काफ़ी अत्यधिक है, ये आप देख सकते हैं खुद। और यहाँ का जो नज़ारा है काफ़ी भव्य एवं सुंदर होता है। और यहाँ से देखिए माता रानी का भवन काफ़ी अच्छा दिखता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देख सकते हैं बादल ही बादल, बादल ही बादल, हाँ बादल ही बादल देख रहा व्यूज। तो व्यूज काफी अच्छे आ रहे हैं जी। थोड़ा भवन मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर आ। तो भवन का नजारा, एक मिनट। तो भाई सब यहाँ पे फोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं। तो अरे यहाँ खाली जल्दी नहीं मिल, तो देख रहे हैं भवन तो काफी सुंदर यहाँ से भवन दिखता है। जूम तो दिखा दिया यार, चलो कोई बात नहीं। तो जी फाइनली अब भवन हमने आपको यहाँ से दिखा दिया, तो अब चलते हैं कटरा की तरफ। और जाते जाते जो भी जानकारी होगी हम आपको देते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कटरा की तरफ। जय माता दी। तो फाइनली जी हम पहुँच चुके हैं भैरवनाथ से माता अर्धकुमारी के पास। तो देख सकते हैं अर्धकुमारी का नज़ारा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हर हमेशा काफ़ी भीड़ रहता है। तो यहाँ का देखिए, यहाँ आप ड्रोन और सीसीटीवी की निगरानी में, तो यहाँ पे मतलब कैमरा वैमरा सारा चीज़ लगा हुआ, तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो यहाँ टाइम्स ऑफ आरती 6 से 7 मॉर्निंग में होती है, इवनिंग में 7 से 8 होती है, ठीक है। तो अगर आप आरती वगैरह में भी बैठना चाहते हैं तो प्रति व्यक्ति 300 रुपया लगेगा, तो आप बैठ सकते हैं आरती में। तो जी अब जल्दी से जल्दी चलते हैं, हमारा ट्रेन भी है शाम में, तो जल्दी चलते हैं। अब मिलेंगे आपको बाणगंगा चेक पोस्ट के पास, फिर चल देंगे। तो जी अभी अर्धकुमारी के पास काम भी चल रहा, तो माता भागवती भवन में आप डोमेट्री वगैरह भी ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए अभी ग्रुप नंबर 80 चल रहा, तो हम यहाँ का एक बार दर्शन करना चाहिए लाइफ में एक बार, क्योंकि माँ के गर्भ से एक ही बार जन्म लेते ना। तो यहाँ माता अर्धकुमारी 8 महीना मतलब रही थी गर्भ की तरह गुफा में, तो इसीलिए 9 महीना सॉरी, तो गर्भ जून नाम रखा गया। तो चलिए मिलते हैं आप सीधे बाणगंगा। जय माता। तो फाइनली जी RFID कार्ड कलेक्शन पॉइंट के पास हम आ चुके हैं। तो यही एग्जिट पॉइंट है, तो यहाँ पे अपना RFID कार्ड जमा कर देंगे और उसके बाद ही आप लोग बाहर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा करना गैरकानूनी है। अगर आप फेरा देते हैं तो आपको 100 रुपया फाइन भी भरना पड़ जाएगा। तो चलिए जमा करके बाहर निकलते हैं। ये देख सकते हैं हम जमा कर रहे हैं खोल के। तो फाइनली जी हमने माता रानी के दर्शन करके देख सकते हैं बाहर आ चुके हैं। तो करीब अभी 6:30 बजने वाले और 7:30 में हमारा ट्रेन है, तो यहाँ से 1 घंटा लग जाएगा बस स्टेशन जाने में भी, सॉरी स्टेशन जाने में भी। तो अगला बार फिर आएंगे, अगला मंथ अगर माता बुलाएगी तो फिर हम आप लोग को नेक्स्ट मंथ का अपडेट देंगे। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। जय माता दी।